हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ यह है ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। तो आज हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स जर्नी में जो हैं, सोलमेट में हायर लेवल ऑफ सोलमेट जो यूनिवर्स से कनेक्शन फील करते हैं, जिनको फील होता है कि उन्हें यूनिवर्स की तरफ से साइन सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, एंजल्स उनको हर मोमेंट गाइड कर रहे हैं, प्लस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, जो सच में ट्विन फ्लेम्स हैं, वो या उस जर्नी का पार्ट सच में हैं, उन्हें पता होता है कि वो उस जर्नी में हैं, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से उन्हें हर तरीके की गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैजिकल शो चलता रहता है उनके लाइफ में, मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते रहते हैं उनकी लाइफ में, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि वो जानते हैं कि वो कोई जर्नी है, कुछ तो ऐसा है जो उनके ऊपर विशेष कृपा है, या वो जो चाहते हैं, जो बोलते हैं, वो सच हो जाता है। वो एबिलिटी रखते हैं कि वो अपना कम से कम पिछला जन्म उनको दिखता है, वो आगे क्या होने वाला है वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। प्लस वो जो भी चीज़ें एंजल से गाइडेंस मांगते हैं, एंजल्स उनको ड्रीम्स में आके तुरंत गाइड कर देते हैं। तो उनके लाइफ में इतनी चीज़ें होती हैं कि उन्हें पता होता है, उन्हें किसी भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जिन्हें भी लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं, आज उनकी रीडिंग का दिन है सैटरडे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी मैं चेक करूंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज आपको पता होती हैं कि क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। जो भी व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स से डील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जी चल रही है उनके काउंटर पार्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी? एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द वर्ड, टावर, एट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं और बहुत मेजर कर्मा रिलीज की एनर्जी है इस वक्त। करेंट एनर्जी में मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग पीक पर है। कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं, आई नीड फाइव मोर कार्ड्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स करेंट एनर्जी, कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त? डिवाइन मैस्कुलिन्स करेंट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से है एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, सो वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। साइंस बता देती हूँ आपके काउंटर पार्ट्स के। आपके उनका साइन हो सकता है लिब्रा, मेजर साइन में लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, ठीक है, एरीज, ये मेजर साइन है। उसके अलावा हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। साइन सभी है, लेकिन जो मेजर साइन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर बिल्कुल भी लविंग एनर्जी इस वक्त नहीं है, साइलेंट मोड पे हैं। ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, साइलेंट मोड पे हैं। बहुत कम इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होंगे, रेयर, थोड़े बहुत मैसेज कर दिया तो कर दिया, इस तरह की एनर्जी है। बट यहाँ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव या तो ऑलरेडी हो रहे हैं, या तो नॉमिनल बातें चल रही हैं, और या तो अगर नहीं हो रहे हैं कुछ लोगों के तो होंगे, मैसेज आएगा उनका। लेकिन यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, शुरू के स्प्रेड में तीन मेजर अरकाना है, उसके बाद बॉटम से दो मेजर अरकाना है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर मैं इन कार्ड्स को लूँ तो आप देख सकते हैं, अगर आप टैरो देखते हैं,
तो आप एनर्जी फील कर पाएंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है। आप में से कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं, या बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज को क्लिंस करने में जा रहे हैं। अगर लीगल सिचुएशन नहीं है तो कर्मा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्टिस की एनर्जी है, फिर द वर्ल्ड की एनर्जी है। इनके लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे कर्मा एंड हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, कम्प्लीटली रिलीज़ की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि टावर के साथ आया है। तो जिनके जिनके साथ इनका पास्ट लाइफ कर्मा है, चाहे वो इनकी लाइफ में इनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, इनके लाइफ में इनके रिलेटिव्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, इनके कुछ सिचुएशंस हो, इनकी मटेरियल थिंग्स हो, इनके पोजीशंस हो, प्रॉपर्टी हो, इनका पैसा हो, रुतबा हो, जो भी चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी या थे, वो चीज़ें छीनी जा रही हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है। और ये क्यों हो रहा है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था कि समझो। इन्हें ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट ऐसा कर दिया यूनिवर्स ने, नहीं, इन्हें बहुत मौका मिला है। इन्हें यूनिवर्स की तरफ से, ड्रीम्स की तरफ से, साइंस की तरफ से, सिंक्रोनिसिटीज़ की तरफ से, हर तरीके से इन्हें समझाया गया था, बट इन्होंने इग्नोर किया उन चीज़ों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, अपने ही सोल को इग्नोर किया है। तो अगर अपनी ही आत्मा को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स मजबूरन आपको ये तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि आपका धरती पर पैसा कमाना, धरती पर बाल बच्चों को पालना, या धरती पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अपनी जगह ठीक है, वो भी आपका कर्तव्य है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है मदर नेचर को सर्व करना और अपने काउंटर पार्ट से मर्ज होना। तो अगर आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलवाया गया, आपने उनको अपने लाइफ में जगह दी, उसके बाद आप दोनों का डीप बॉन्ड हुआ, उसके बाद आपने उनको ट्रिगर दे दिया, उनका दिल तोड़ दिया, उन्हें हर्ट किया, उन्हें तकलीफ़ दी, उनकी वैल्यू नहीं की, ठीक है, तो फिर यूनिवर्स अपनी तरीके से समझाती है कि अब समझ लो, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा, ये स्पेशली उन डीएम की एनर्जी है जो स्टबर्न थे या थी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, जिनके लिए उनका मटेरियल थिंग ही सब कुछ था, उनका इमेज, उनकी सोसाइटी, उनका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी ही दुनिया बना लिए थे इस धरती पर आकर। तो उनसे वो दुनिया से ट्रिगर मिल रहा है उनको, उनकी अपनी दुनिया ही उनको हर्ट कर रही है, उनका दिल तोड़ रही है अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये प्लानिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ख़ुद को प्रिपेयर भी करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपका आपको भी बताना चाहते हैं कि सब कुछ क्या चल रहा है इनके लाइफ में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये सब चीज़ें के, इन सब चीज़ों की वजह से इनकी जो वाइब्रेशन लो हो, उसके बाद ये आपसे बात करें। क्योंकि देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये सिर्फ एनर्जी है, वही हील कर सकती है या कर सकते हैं, और कोई दुनिया की ताकत उन्हें हीलिंग नहीं दे सकती, क्योंकि उनको आपको इसीलिए बनाया गया है। आपके पास दुनिया की हर खुशी हो, आपके पास दुनिया की हर दौलत हो, तमाम शोहरत हो, लेकिन अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ नहीं है या बात नहीं कर रहा है ना, आप अपने आप को अधूरा, इनकम्प्लीट फील करोगे, और यूनिवर्स आपको उन्हें भूलने भी नहीं देगी। ये आपने नोटिस किया होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने सोलमेट्स के साथ इंगेज्ड होने की कोशिश करो, अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इंगेज्ड होने की कोशिश करो, आप नहीं हो सकते। ये चीज़ें उनके साथ भी होती हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि उनके साथ नहीं होती हैं, वो मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनकी ये एनर्जी है, और बहुत जल्द आपको मैसेज भी आएगा, तो पॉजिटिव रहिए गाइस। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, और फिर इमीडिएट फ्यूचर भी चेक करेंगे, क्योंकि मैंने मेजर अरकाना निकाला है, तो मेजर अरकाना से हम देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर नेक्स्ट एक्शन के बाद। प्लीज़ गाइड करें ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी व्यूवर्स हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स,
क्या होने वाला है उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। शैडो एंड विक्ट्री, पेशेंस, न्यू बिगनिंग। ओके, सैक्रिफाइस नंबर वन, लव बिगिंस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। बॉटम से है शैडो। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है वन। सो विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, मैं वैसे ये रीडिंग वीकली लाती हूँ तो आपको मैं मंथ की एनर्जी नहीं दूंगी, मैं आपको वीक की ही एनर्जी दूंगी क्योंकि मेरी ये रीडिंग वीकली होती है एवरी सैटरडे। सो यहाँ पर वन नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, विद इन अ डे, विद इन अ मिनट, विद इन एन आवर या विद इन अ वीक। आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मूविंग ऑन की भी एनर्जी आना चाह रही है। ट्रुथ, मूविंग ऑन, ओके। कॉन्फ्लिक्ट, ओके। डबल फाइव की एनर्जी, माय गॉड, ये देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये निकल जाएंगे डियर, या निकल जाएंगी कार्मिक सिचुएशन से, या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर सकते हैं आने वाले, स्पेशली विद इन अ वीक। और कुछ सच्चाई इनके सामने आ सकती है, कुछ लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ सकते हैं, और उसके बाद ये सर पकड़ कर ये सोचेंगे कि मैंने इन सिचुएशंस के लिए या इन लोगों के लिए या इन चीज़ों के लिए मैंने उसे तकलीफ़ दी जिसने मुझे ट्रू लव दिया, जिसने अनकंडीशनल लव दिया, जिसने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कभी भी। इतना डांटने, इतना ब्लॉक करने, इतना तड़पाने के बावजूद अनकंडीशनल लव दिया और इन्होंने उसे सैक्रिफाइस कर दिया, इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे डियर। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपनी ही शैडो साइड पे धिक्कारेंगे कि मैंने ऐसा कैसे किया। शैडो की एनर्जी यही बता रही है, प्लस ये द मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली इमोशनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, अकेले में रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं या हो सकती हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस लव बिगिंस की एनर्जी है तो कुछ लोग तुरंत से एक्सप्रेस कर देंगे कि अब नहीं रहा जा रहा है, कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। सो लव बिगिंस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? देखा मैंने, कहा ना स्टैंड लेंगे आपके लिए, सेपरेशन एंड होगा। जैसे ये कूद पड़ा, जैसे कि कुछ बस निकलना है इसे, इस डेक में से। कितने सारे कार्ड्स होते हैं इस डेक में। सो आपसे एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इनके लिए क्या मायने रखती हैं या क्या मायने रखते हैं, आपको लेकर ये कितने प्रोटेक्टिव हैं, कितना पोजेस करते हैं आपको और कितना ज़्यादा ये आपकी केयर करते हैं या करती हैं। यूनियन की एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, तो हमेशा ही मैंने कहा है कि बहुत जल्द आप में से बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन हो चुका है, कमेंट्स में आप पढ़ते होंगे, उन लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, भगवान करे आपको कभी किसी की नज़र ना लगे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ बात करने के लिए, लेकिन इनको कोई ना कोई ऐसा है इनके लाइफ में जो कि रोकने की कोशिश करता है, मे बी ऑब्स्टिकल्स की वजह से। ऑब्स्टिकल्स किसी के भी लाइफ में हो सकते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में गहरी खाई है आ गई है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ये सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, या आप दोनों के बीच में हैवी कर्मा सिचुएशंस हैं, बहुत लोगों ने आप दोनों को रोकने की या मिलने से यूनियन को रोकने की कोशिश करी है, बट यहाँ इन सब ऑब्स्टिकल से बाहर निकलकर ये बात करना चाह रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों आया है? ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ये भी कूद के गिरा है, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कर्मा साइकिल एंड होगी। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन,
ठीक है? तो ये सिचुएशन मेजर है और ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी. सो लेट्स टेक इमीडिएट फ्यूचर. वन नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, वापस बता दे रही हूँ. देखते हैं आपके रिलेशनशिप में इमीडिएटली क्या होने वाला है. इमीडिएट फ्यूचर विद इन अ वीक की एनर्जी होती है. विद इन अ वीक क्या होने वाला है इस जर्नी वालों में, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ गाइड करें. इमीडिएट फ्यूचर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लीप ऑफ फेथ, लकी होगा आपके लिए. जो कुछ भी होगा वो लकी होगा आपके लिए. सो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है इस रीडिंग में. थर्ड टाइम व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आज. तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आएंगे और वो आपके लिए लकी साबित होंगे. सो पॉजिटिव रहिए, होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच, बाय बाय.